अच्छा तो आप भी रोस्ट होने आए हैं, तो फिर चलिए मिलकर जलन को रोस्ट करते हैं। शानी बाबा नहीं छोड़ेगा। एथरा इश्क नहीं सौन देंदा, सारी रात जगाई रख दाए। एथरा इश्क नहीं सौन देंदा। ये इश्क बहुत अथरा है, बल्कि गूंगा है, बहरा है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। ये सारा पाकिस्तानी करप्शन की तरह है। ये कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसे भी, जैसे भी, जिसे भी, बस हो जाता है। और पाकिस्तानी ड्रामों में आके ये इश्क महज अंधा नहीं रहता, बल्कि सुपर अंधा हो जाता है। मेरा मतलब ब्लाइंड प्रो मैक्स हो जाता है। और फिर ये ऐसे ऐसे कांड करवाता है और इश्क करने के ऐसे ऐसे नए रास्ते दिखाता है कि कॉलेज की नन्नी मुन्नी बच्चियाँ जो फेयरवेल पार्टी पे बिलो ठुमका लगा पे दो स्टेप्स लगा के खुद को नेहा कक्कर समझने लग जाती हैं, वो ये ड्रामे देख कर फिर ऐसे ऐसे इश्क करती हैं और ऐसे ऐसे चांद चढ़ाती हैं और अपने ख़ानदान के सर में ऐसी खाक डालती हैं कि बड़े फ़खर से अपनी ती पहन को ARY और हम के ड्रामे दिखाने वाले मॉडर्न किस्म के भाई और बाप फिर कहीं भी अपना शरीफाना थोबरा दिखाने के लायक नहीं रहते। अरे ये क्या, कुछ जलने की बू आ रही है, आपको भी आ रही है? हाँ, जलने की बू आए भी क्यों ना, जलन ड्रामा जो आ गया है, जलन इश्क का एक नया रास्ता, दरबारे इश्क का एक नया दरवाज़ा। लेकिन लोग इसको गालियाँ क्यों दे रहे हैं? अरे यार आप ही बताएं, अगर इस बेचारी राइटर ने ये ड्रामा लिख ही लिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अभी ये ड्रामा आने भी नहीं हुआ था तो इन बेचारे गरीबों और शरीफों ने शोर करना शुरू कर दिया कि ये ड्रामा ऐसा है वैसा है। ओ भाई हो क्या गया है, पहले भी तो इतना इतना और ऐसा वैसा इश्क की सभी किस्में देख चुके हो, सहेली का सहेली के हस्बैंड के साथ, सहेली का सहेली के मंगेतर के साथ, सहेली का सहेली के कज़न के साथ, सहेली का सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ, मालकिन का नौकर के साथ, नौकरानी का मालिक के साथ, चच्ची का भतीजे के साथ, भाभी का देवर के साथ, ममानी का भांजे के साथ, सुसर का बहू के साथ। अरे भाई इतना इतना कुछ देख कर भी कोई क्यामत तो नहीं टूटी ना। और अब अगर एक साली का अपने बहनोई पे दिल आ ही गया है तो इसमें कौन सी आकर आ गई है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ जलने की बू आ रही है। और ये शरीफ लोग तो जलते ही बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि ये शरीफ लोग तो होते ही बड़े बदमाश हैं। कमाल है यार, किसी को किसी से मोहब्बत करने ही नहीं देते। अब अगर एक साली अपने बहनोई से मोहब्बत कर ही बैठी है, अगर उसको उससे प्यार हो ही गया है, तो इसमें रोने पीटने वाली कौन सी बात है? और साली तो वैसे भी आधे घर वाली होती है, और अगर ये पूरे घर वाली हो भी जाए या कभी कभी बनती रहे तो इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? और ड्रामा बनाने वाले भी अपनी जगह ठीक हैं, वो कहते हैं कि ये काम तो रोज़ाना ही हमारी सोसाइटी में होता रहता है, और अगर यही काम हम ड्रामे में दिखा दें तो इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? वाह क्या लॉजिक है, तालियां। अरे भाई अगर सोसाइटी में होने वाली हर चीज़ को दिखाना आप अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं तो फिर तो अक्सर अखबार में आया होता है कि बाप ने बेटी की इज्जत बर्बाद कर दी, ये भी तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये भी आप दिखा दें। और हाँ याद आया, एक और काम जो हमारी सोसाइटी में होता है, रोज़ाना होता है, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अगर इस काम के दौरान इनके पेरेंट्स प्रोटेक्शन यूज़ कर लेते तो मुमकिन था कि ये ड्रामों वाले चंद कमीने पैदा ही ना होते। अब ये काम भी रोज़ाना हो रहा है, इसी सोसाइटी में हो रहा है, धराधर हो रहा है, और जब इसके मतलब इनसे बात करें तो आगे से कहते हैं ये तो होगा, तो ये भी किसी दिन ARY हम जियो पे दिखा दें। हद है यार बगैरती की, गैरत की माँ की आँख, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, लेकिन ना जी, हम बेगैरत हैं हमें इज्जत से क्या काम, हम बेगैरत हैं हमें इज्जत से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा।